दोस्तों, इतिहास बनता है याद किए जाने के लिए। इतिहास अगर इस तरीके से बने कि वो जन्मों तक, यानी जब तक ये दुनिया रहे तब तक वो इतिहास याद किया जाए, तो वो इतिहास कुछ खास ही रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे गुरु जी की बात करने वाले हैं जो पहले एक ऐसे शहीद थे जिन्होंने बिना कुछ कहे मानवता धर्म निभाते रहे। बड़ी आफत मुसीबत आने के बावजूद भी सर्व धर्म का सम्मान करते हुए दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए और बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। सभी धर्मों के प्रति उनकी जो सोच थी वो एक ही थी दोस्तों, और सबका सम्मान करने वाली थी। तो आज दोस्तों हम ऐसे ही गुरु जी की बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव थे। तो दोस्तों वे सर्वधर्म स्वभाव के उपदेश देते थे। मानवीय आदर्शों पर कायम रहने का हमेशा उन्होंने सभी से बात कही। तो गुरु जी एक महान आत्मा थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। और पहले एक ऐसे शहीद थे दोस्तों सिख संप्रदाय में जो कि उसके बाद कोई नहीं हुआ उनके जैसे। तो उनके भीतर दोस्तों धार्मिक और मानवीय मूल्यों, निर्मल प्रवृत्ति, सहृदय, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों को देखकर ही उनके पिताजी श्री गुरु रामदास जी, जो उनसे पहले गुरु थे, 1981 में शुरू सॉरी दोस्तों 1581 में श्री गुरु अर्जुन देव को पांचवा सिख गुरु घोषित किया। तो दोस्तों उनका जीवन परिचय जान लेते हैं और कौन उनकी जो घटनाएं हैं जो उनके समय काल में हुई वो भी बताएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नफीस और आप देख रहे हैं अहिल राज व्लॉग। तो इस प्रकार की व्लॉग वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आते रहता हूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी भी होती है जीएस की या जीके की दोस्तों, और आप लोगों को इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों से वादा किया था कि ये एक ऐसा व्लॉग चैनल होगा जहां इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। ऊटपटांग चीज़ें मैं कभी दोस्तों लेकर के नहीं आऊँगा जो कि आपको जानकारी से लबरेज होंगी दोस्तों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं जीवन परिचय गुरु जी का। तो उनका जन्म दोस्तों 15 अप्रैल 1563 को अमृतसर में हुआ था, और उनके पिता श्री गुरु रामदास जी और माता जो हैं दोस्तों बीबी भानी जी था। दोहिता बाड़ी का बोहिता उनका प्रसिद्ध वचन था दोस्तों। वचन जो था उनका दोहिता बाड़ी का बोहिता उनका प्रसिद्ध वचन था। विवाह दोस्तों जब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी, जब उनका विवाह दोस्तों 23 आषाढ़ संवत को श्री कृष्णचंद जी की पुत्री श्री गंगा जी से हुआ। उनका विवाह जिस स्थान पर हुआ था वहाँ भी आज भी एक छोटा सा दोस्तों सुंदर सा गुरुद्वारा बना हुआ है। तो दोस्तों गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव जी को जो लाहौर भेजा था एक समय पे, तो वहाँ से दोस्तों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। वहाँ पर अर्जुन देव ने अपने पिता श्री से मिलने की इच्छा जाहिर की, और इससे खुशी से लबरेज होकर के दोस्तों उन्होंने राजगद्दी जो है गुरु की वो अर्जन देव सिंह जी को दी दोस्तों, इसी वजह से कि वो अपने पिता श्री को बहुत चाहते थे। दोस्तों उनके दो भाई हुए थे जिन्होंने बाद में चल करके बगावत की, और उसी बगावत के चलते दोस्तों अकबर के पुत्र दोस्तों जहांगीर ने इन्हें यातनाएं दी, जिसके वजह से इन्हें शहीदी हासिल हुई रावी नदी के तट के पास में दोस्तों, जिसके बारे में विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे दोस्तों। मगर श्री अर्जन देव के जो अपने व्यक्तिगत संबंध थे, अकबर बादशाह उन्हें बहुत इज्जत करते थे, उनकी शिक्षाओं को मानते थे। मगर अकबर की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र जहांगीर था दोस्तों, उन्होंने बहुत यातनाएं दी, और यातनाएं वही बात है घर का बेदी लंका ढाए। तो जो उनके दोनों भाई थे अर्जुन देव के,
जिनका नाम इस प्रकार है दोस्तों, बड़े भाई पृथ्वीचंद और दूसरे का नाम था दोस्तों चंदू। तो चंदू दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे अर्जुन देव के पुत्र से, और ये जो इनके बड़े भाई पृथ्वी चंद थे, तो उन्होंने दोस्तों यानी कि राजगद्दी उन्हें बड़े होने के कारण नहीं मिली थी। इसकी वजह से दोस्तों ये दोनों ने षड्यंत्र रचकर जहांगीर से मिले, और जहांगीर से मिलने के बाद में दोस्तों इन्होंने यानी कि कुछ इस प्रकार से भड़काए उस बादशाह के बेटे को कि इन्हें गर्म रेत की यातना है। उसका बखान करने से दोस्तों कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत यातना है सही, गर्म तवे में बैठाया गया उनको, जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे। मगर बहुत से जो आज के हमारे बच्चे हैं घरों के, उनके बारे में, उनकी शहादत के बारे में नहीं जानते, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों उनके अंतिम समय जो हुआ था दोस्तों, वो शहीदी मिली उनको। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी रावी नदी के तट पर, जो कि आज दोस्तों जहाँ पर उन्हें शहीदी मिली थी वो आज का जो हिस्सा है पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर भी दोस्तों लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो उन्होंने दोस्तों गुरुवाणी और बहुत से ऐसे जो मतलब गुरु हुए थे उनकी गुरुवाणी का संकलन किया और एक ग्रंथ तैयार किया, गुरु ग्रंथ साहिब दोस्तों, और जिसमें 31 दोस्तों राग इन्हीं के हैं, यानी अर्जन देव जी के हैं, गुरु अर्जन देव जी के, और 2218 श्लोक हैं दोस्तों जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाया हूँ, और 30 रागों में संकलित है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका श्रेय श्री गुरु अर्जन देव को ही जाता है, आप लोगों को पता होगा। और दोस्तों 30 मई 1616 ईस्वी में, यानी कि हिंदी में ज्येष्ठ सुदी चौथ संवत 1553 विक्रमी को इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो अमृतसर में उस दिन चारों तरफ गुरु थे, मतलब शोक की लहर दौड़ गई। तो उन्होंने दोस्तों उनकी प्रमुख रचनाएं थी गाउडी सुखमनी, 12 माह माझ, 52 नखरी, बिरहड़े, गुणवंती, अंजुली, परिहरे, दिन रैन राग, बद बनिया, और सालोक वारा, गाथा फूले, चौ बोले, और दोस्तों संस्कृति श्लोक चौ बोले, मुंदावनी, महिला पांच आदि, इस प्रकार की उनकी रचनाएं थी। तो दोस्तों अपने आप में एक ऐसे शहीद जिन्होंने मानवता परोपकार का धर्म अपनाते हुए यही शिक्षा सारे यानी कि कम्युनिटी को दिए। तो दोस्तों हमें और आपको ऐसे शहीदों के बारे में, ऐसे गुरुओं के बारे में, ऐसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी होना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे दोस्तों एक दूसरे के प्रति हमारा मन साफ होता है, जानकारी मिलती है, और परोपकार की भावना आपस में परस्पर पैदा होती है। मेरा मकसद यही है दोस्तों अपने ब्लॉग में इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर के आने का। चाहता तो दोस्तों मैं भी आपको दिखावा और सब कुछ ऐसे ब्लॉग बनाता, मगर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग से बच्चे हों, सयाने हों, मेरे हम उम्र हों, ये सभी लोग जानकारी से लबरेज हों, ताकि प्रेम भाईचारा आपस में बढ़े दोस्तों। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको तकनीकी शिक्षा के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, इन्फॉर्मेटिव, जिस भी क्षेत्र में मुझे अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। तो बस दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी का मैंने बायोग्राफी बताया आपको, उनका जीवन परिचय। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बस इतना ही था दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग वीडियो के साथ, तब तक मुझे विदा दीजिए दोस्तों, नफीस को, टेक केयर एंड बाय।